हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और अभी मैं आपको हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो डिप्लोमा और फार्मेसी के बच्चों के एग्जाम हुए हैं उसके बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसको बारे में बताऊंगी। और जो पिछले साल के बैच हैं 2014, 15, 16, 17 उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, और बीच के इंटरमीडिएट ओनली 6 सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइन, और जो बीच के बचे हुए सेमेस्टर हैं उनके एग्जाम्स का क्या होगा, उनके एवरेज मार्क्स लगाए जाएंगे या किस टाइप का डिस्कशन किया जाएगा, तो ये सब मैं आपको बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत आपको मिलती रहे। तो अभी अभी ये नोटिस आया है, रिवाइज इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम फॉर 6 सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा एंड 2nd ईयर ऑफ फार्मेसी। रिवाइज करी गई है इंस्ट्रक्शन जो ऑनलाइन 6 सेमेस्टर के 3 ईयर डिप्लोमा के एग्जाम होने हैं और साथ में 2nd ईयर फार्मेसी। अभी 20 अक्टूबर को ये नोटिस आया है। एज पर UGC गाइडलाइन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एग्जाम आर टू बी कंडक्टिव ओनली फॉर टर्मिनल सेमेस्टर। UGC गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो एग्जाम है वो टर्मिनल सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर 2017 बैच का एंड 2nd ईयर अंडर एनुअल सिस्टम, और उनको जो 2017 बैच का 6 सेमेस्टर है उसके एग्जाम कराए जाएंगे और जो 2nd ईयर फार्मेसी है उसी के एग्जाम कराए जाएंगे। There are student of 6M of 2017 batch, 2nd year of pharmacy who appeared for the first time इन द एग्जाम हेल्ड इन अक्टूबर 2020। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी अक्टूबर 2020 में एग्जाम हुआ और वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, 6 सेमेस्टर के या 2nd ईयर फार्मेसी के, टेक्निकल रीजन हो सकता है या फिर उन्होंने PCA फॉर्म नहीं भरा या फिर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया जो भी टाइम दिया गया था। तो 2014, 15 और 16 जो बैच के स्टूडेंट हैं उनकी रीअपियर है 3rd सेम में, हैड बीन प्रोवाइडेड। अगर उनको 3rd सेम में रीअपियर है 2014 बैच के तो उनको 10 चांस दिए गए थे, ऐसे ही 8 चांस 2015 वालों को और 6 चांस 2016 वालों को दिए गए। 4th सेम में रीअपियर थे तो उन्हें 9, 7 और 5 चांसेस मिले पेपर क्लियर करने के लिए। ऐसे 5th सेम रीअपियर है उनको 8, 6 और 4 अपॉर्चुनिटी मिली एंड सो ऑन। येट दिस स्टूडेंट कुड नॉट पास देयर रीअपियर सब्जेक्ट। फिर भी वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 2014, 15 और 16 के जो रीअपियर पास नहीं कर पाए। स्टिल बोर्ड एकोमोडेटेड दीज ऑल बैचेज इन अक्टूबर 2020 एग्जाम। फिर भी इन सब बैचेज के जो है एग्जाम अक्टूबर 2020 में जो अभी कराए गए उसमें उन्हें एग्जाम देने की परमिशन दी गई एंड अलाउ डेम टू अपियर इन द सब्जेक्ट अप्लीकेबल फॉर 2017 बैच, और उन्हें वही सब्जेक्ट के पेपर देने दिए गए जो 2017 बैच के जो सब्जेक्ट अप्लीकेबल थे। दीज बैचेज कैन नॉट क्लेम दिस एक्ट ऑफ जेनरसिटी ऑफ बोर्ड एज ए राइट फॉर गिविंग देम अनदर अपॉर्चुनिटी। और इन बैचों के लिए ये बोल दिया गया है कि इनको ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें फिर दोबारा चांस दिया जाए क्योंकि उन्हें बहुत से पहले चांसेस मिल चुके हैं। Therefore, the opportunity of special online exam has been provided by the board only in the subject of 6M 2017 batch 2nd year pharmacy. Special जो chance वो दे रहे हैं इसलिए ही वो 2017 के batch के जो भी student हैं उनको दे रहे हैं या 2nd year pharmacy के हैं। Moreover, board cannot conduct exam for all subject of whole semester again in such short time. और वो इसलिए board अब बहुत थोड़ा ही time बचा है और इस short time में वो दोबारा से exam नहीं करा सकता है। हाउएवर स्टूडेंट हैड ऑब्जेक्टिव टेलीफोनिकली एंड थ्रू मेल मैसेज इज अलाउ द 2014, 15 and 16 बेस्ट स्टूडेंट टू अपियर इन द सब्जेक्ट ऑफ 6M। उन्होंने कहा कि 2014, 15 और 16 बैच के जो बच्चे हैं उन्हें भी एग्जाम में अपियर होने दिए जाए और री एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ 1st से 5th सेमेस्टर फॉर सिमिलर स्टूडेंट ऑफ द बैचेस। और कह रहे हैं कि हमारे 1 से 5वें सेमेस्टर में जो भी री अपियर है उनके भी दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराए जाए। और अकॉर्डिंगली इन व्यू ऑफ UGC गाइडलाइंस एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय टू दीज ओल्ड बैचेस, UGC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और बहुत सी जो उन्हें बैचेस जो ओल्ड बैचेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। PCA फॉर्म ऑफ 2015-16 बैचेस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। जो भी PCA फॉर्म भरेंगे 2014, 15 और 16 बैच उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड अपलोडेड ऑन द HSBT पोर्टल, और उन्हें अपलोड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ फार्मेसी एंड पार्ट टाइम डिप्लोमा इन सच स्टूडेंट हैव बीन अपलोडेड, और उनके भी साथ ऐसा ही होगा अगर मान लो फार्मेसी और पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले, इट मे बी डिलीटेड एंड एग्जामिनेशन फी मे बी रिटर्न। ऐसा करेंगे अगर वो करेंगे तो उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा और एग्जामिनेशन फी जो PCA फॉर्म की फीस है वो रिटर्न कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन फी PCA ऑफ ओनली 2017 बैच फॉर 3 ईयर डिप्लोमा
2018 बैच ऑफ फार्मेसी एंड 2016 बैच ऑफ पार्ट टाइम डिप्लोमा मस्ट बी अपलोडेड। सिर्फ पीसीए फॉर्म जो होंगे वो 2017 बैच के, 2018 बैच के और 2016 बैच के। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एंड अपलोडिंग पीसीए फॉर्म फॉर स्पेशल एग्जाम इज एक्सटेंडेड अप टू 22 अक्टूबर। और उनकी जो एग्जाम की पीसीए फॉर्म की डेट है वो 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, अब आगे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है उनके जो पीसीए फॉर्म है वो 7 नवंबर से 25 नवंबर तक भर दिए जाएंगे। इसलिए 7 नवंबर से 25 नवंबर तक भर दें। रीअपियर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर्स प्रेजेंट स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट हुज रिजल्ट इन रेगुलर सेमेस्टर ईयर वर डिक्लेयर्ड अर्लियर ऑन एवरेज बेसिस एज पर यूजीसी गाइडलाइन बट रीअपियर बैकलॉग वर कैरिड फॉरवर्ड। जो भी बीच वाले सेमेस्टर थे उनके जो एग्जाम करा दिए, एग्जाम नहीं हुए थे और उनको एवरेज बेसिस पे मार्क्स देकर उनको आगे कर दिया गया था, लेकिन अगर उनकी कोई रीअपियर है, बैकलॉग है, तो वो उन आके कैरी फॉरवर्ड करिए और उन्हें वो क्लियर करनी पड़ेगी। रीअपियर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल एग्जिट ब्रांचेस बैचेस जैसे मर्सी चांसेस बैचेस है हु हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूट आफ्टर कम्प्लीटेड देयर कोर्स ऑफ स्टडी। और रीअपियर्स ऑफ स्टूडेंट जो रीअपियर हैं उनको भी हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूट आफ्टर कम्प्लीशन देयर कोर्स ऑफ स्टडी, उन्हें भी वो करनी पड़ेंगी रेगुलर स्टडीज सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटली स्टडी स्टूडेंट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, और उनको भी ये भरना पड़ेगा। पीसीए फॉर्म 7 नवंबर से 25 नवंबर तक भरना है और उसके बाद नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उनके लिए जो पीसीए फॉर्म है ये बता दिया है कि किस किस को भरना है। तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एचएसबीटी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।